इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर बता दूं, विकास दुबे के बिकरू गांव से आज पुलिस को जिंदा बम मिले हैं। बताया जा रहा है कि एक पुलिस ने 7 बम यहां से बरामद किए हैं। बिकरू गांव से जो तस्वीरें आई हैं वो आपको देखनी चाहिए। डिफ्यूज करने के लिए इन बमों को, जिंदा बॉम्ब्स को, बाल्टी पानी भरी बाल्टी में रखा जा रहा है, लेकिन 7 जिंदा बम वहां से मिले हैं। और ये तब हैं जब वहां पर अब उसके गुर्गे नहीं हैं, उसके लोग नहीं हैं, लेकिन फिर भी वहां से हथियारों का, बमों का मिलना, जिंदा बमों का मिलना, ये सिलसिला नहीं रुक रहा है। उस दिन जो शूट आउट हुआ उसके बाद से लगातार हथियार मिले वहां पर, बम मिले, आज फिर वहां पर 7 जिंदा बम मिले हैं जिन्हें इस तरीके से पानी में डालकर डिफ्यूज किया जा रहा है। ये वहां पर जिस तरीके से विकास दुबे का आतंक था और उस आतंक को बनाए रखने के लिए जो हथियार, जो असले वो इस्तेमाल करता था, उसकी खेप कितनी बड़ी थी, उसको दिखाती हुई तस्वीरें। और इसीलिए जब आज ये चर्चा होती है कि विकास दुबे मारा गया, लोग खुश हैं, वो लोगों की खुशी इसी वजह से है। आप देखिए कितना डर उसने पैदा करने के लिए हथियार इकट्ठा किए, उसने वहाँ पर जिंदा बम इकट्ठा किए, और इसीलिए लोग बेचारे डरे रहते थे। आज जब उसका अंत हुआ है तो लोगों के उस डर का भी अंत हुआ है। विकास दुबे की जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ उसे पुलिस ने एनकाउंटर स्पॉट से हटा दिया है। एक क्रेन के जरिए गाड़ी को करीब 50 मीटर तक घसीटकर हटाया गया, फिर उसे सीधा किया गया। जिस वक्त गाड़ी को हटाया गया, हमारे इस रिपोर्टर पवन नारा वहां मौजूद थे, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए। जिस गाड़ी में ले जाया जा रहा था और जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद ये पूरा एनकाउंटर हुआ, उसे मौके से हटाया जा रहा है। एनएचआई का ये ट्रक इस गाड़ी को लेकर यहाँ आया है। आपको बता दें 50 मीटर घिसटते हुए इस गाड़ी को लाया गया है। सर ये टो करने वाले कौन है, आप हैं? सर क्या गाड़ी ऐसे ही टो की जाती है, सीधी नहीं की जाती पहले? दोनों तरफ सर गाड़ियां को, मैं वही वाली आप वाली किसकी गाड़ी थी उसको ही बोला कि साइड कर लो, कोई सुनने के लिए राजी नहीं हो रहा है सर हम लोगों की बात। तो आपको नहीं लगता कि गाड़ी को साइड में लिटाकर घिसाकर आप ले जा रहे हैं तो एविडेंस खराब हो जाएगा? सर ऑर्डर है सीनियरों का, हमारा नहीं है। अच्छा ऑर्डर है सीनियरों का, टेढ़ी ले जाने के लिए ऑर्डर था? नहीं नहीं टेढ़ी नहीं, हटाने के लिए, हटाने के लिए ऑर्डर था। तो गाड़ी को इस तरह से 50 मीटर यहां से हटाया ले जा रहा है, इसको ड्रैग करते हुए यहां तक लाया गया है। और ये अगर आप देखेंगे तो ये गाड़ी यहां टूटी हुई है, इसको मौके से हटाया जा रहा है। अगर कैमरामैन इसके अंदर देख पाने की कोशिश करें तो यहाँ कुछ सामान बिखरा हुआ नजर आएगा, पुलिस का एक डंडा आपको दिखाई दे रहा है, कुछ खाने पीने का सामान भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि 12 किलोमीटर का लंबा सफर था। कुल कुछ पुलिस वालों के बैग भी इस गाड़ी के अंदर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ इस गाड़ी को इस मौके से फिलहाल हटाया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद ये पूरा एनकाउंटर हुआ है, उस गाड़ी को मौके से हटाया जा रहा है। एक क्रेन आई थी जिसके बाद इस गाड़ी को लगभग 50 मीटर तक किसी हालत में घसीटा गया और अब ये गाड़ी सीधी हो गई है, जिसको क्रेन लगाकर ले जाया जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं पुलिस वालों का कुछ सामान नजर आ रहा है, एक अनाउंसमेंट सिस्टम नजर आ रहा है, जो हूटर था वो था, और बाकी कुछ अखबार भी है, अखबार में भी बहुत सी जानकारियां हैं वो सामने आ रही हैं। तो कुल मिला के पुलिस वालों की वर्दी इसके अंदर पड़ी है, जो बैग से आप देख सकते हैं जो पुलिस वाले आ रहे थे वो अपनी वर्दी और सामान लेकर थे, कुछ खाने पीने की चीजें भी थी जो यहां पड़ी हुई है। 3 स्टार एक वर्दी है, पुलिस का डंडा है और पुलिस की एक जैकेट भी आपको दिखाई दे रही होगी। ये सब वो इस गाड़ी से निकला है। इस गाड़ी की हालत एक बार आप देख लीजिए, इस गाड़ी को लगभग यहाँ 20 मीटर घसीटा गया है टेढ़ा और यहां आकर इसको सीधा किया है। बता दें कि मौका वारदात जहां गाड़ी पलटी थी वो यहां से 20 कदम दूरी पर है। आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहेंगे कि जो फोरेंसिक लैब वाली टीम थी वो उस मौके पर भी गई जहां दुबे को गोली मारी गई थी, विकास दुबे को, और अभी मौके से अब चीजें हटाई जा रही हैं, गाड़ी हटाई जा रही है। हर कोई ये जानना चाहता है कि यूपी के गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ कैसे, पुलिस को विकास दुबे पर गोली क्यों चलानी पड़ी। विकास दुबे के एनकाउंटर से जुड़े हर सवाल का जवाब जानने के लिए ये ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी ने जो रिपोर्ट भेजी वो देखिए। ये विकास दुबे की लाश है जो काले कवर में रखी गई। विकास दुबे के काले कारनामों का अब अंत हो गया।
विकास दुबे के खौफ और आतंक की कहानी भी कानपुर से शुरू हुई और उसके आतंक और खौफ का अंत भी कानपुर में हो गया। विकास दुबे और उसके साथियों ने 8 पुलिस वालों को शहीद किया था और 8 दिनों के अंदर अंदर विकास दुबे का हिसाब किताब पूरा हो गया। विकास दुबे का एनकाउंटर कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में पुलिस को विकास दुबे पर गोली चलानी पड़ी, क्या है विकास दुबे के एनकाउंटर की पूरी कहानी, एक एक बात आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये तस्वीर देखिए, ये एक तस्वीर इस एनकाउंटर की पूरी कहानी बता रही है। एसटीएफ की यह गाड़ी पलटी हुई है और इसके शीशे पर लगा वाइपर लगातार चल रहा है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर जो दुर्दांत अपराधी मौजूद था उसकी सांसें अब थम चुकी है। ये गाड़ी पुलिस एसटीएफ की है, जिस गाड़ी में विकास दुबे सवार था, बीच वाली सीट पर उसे बिठाया गया था और ये गाड़ी बारिश की वजह से पलट गई है। और जब ये गाड़ी पलटी तो उसके बाद यहाँ विकास दुबे ने अपने अंदाज में, जिस तरह का उसका व्यक्तित्व रहा है, पुलिस से हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। जो सामने आप पेड़ देख पा रहे हैं वहां तक विकास दुबे पुलिस के हथियार छीनकर भागा है। उस पेड़ के नीचे जो आप स्क्वायर देख रहे हैं वहां पर विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है, जहां पुलिस अभी भी तैनात है। आपको बता दें इस एक्सीडेंट में 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं क्योंकि गाड़ी पलटने की वजह से। और जब विकास दुबे यहां से हथियार लूटकर भागने लगा तो 2 एसटीएफ के जवानों को विकास दुबे की गोली लगी है। पुलिस का कहना है कि विकास दुबे की तरफ से पुलिस पर जानलेवा हमला किया गया और जवाबी कार्रवाई में विकास दुबे मारा गया। आपको दिखा दें, यहां से लगभग 50 मीटर की दूरी तक विकास दुबे भागा और वहां उसका एनकाउंटर हुआ है। आपको बता दें कि सिर्फ इकलौती ये गाड़ी नहीं थी, एसटीएफ की एक गाड़ी और थी जिसके अंदर बाकी एसटीएफ के जवान मौजूद थे। वो गाड़ी जब यहां पहुंची तो उसका पीछा किया गया। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि विकास दुबे, जिस विकास दुबे ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की थी, वो जब भागने की कोशिश कर रहा था तो 2 एसटीएफ के जवानों को विकास दुबे की छीनी हुई हथियार से घायल होने की भी खबर है। यानी इस पूरे एनकाउंटर से पहले हुई दुर्घटना में 4 लोग घायल हुए, जबकि गोली फायर एक्सचेंज में 2 एसटीएफ के जवान घायल हुए, जबकि विकास दुबे मारा गया। आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि विकास दुबे को एसटीएफ की दूसरी गाड़ी में कानपुर के अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित किया गया। शाम 7 बजे के करीब एसटीएफ की एक टीम एसयूवी गाड़ी महिंद्रा टीयूवी 300 से विकास दुबे को लेकर उज्जैन से कानपुर के लिए रवाना हुई थी। इस गाड़ी का नंबर था UP70AG3497। करीब 11 घंटे के बाद इसी गाड़ी से एसटीएफ की टीम कानपुर बॉर्डर के नजदीक पहुंची। 650 किलोमीटर का सफर तय करके एसटीएफ की गाड़ी भौती नाम की जगह पर पहुंची। कानपुर के शहर से यह जगह करीब 15 किलोमीटर दूर है। सुबह करीब 6:30 बजे यह जानकारी मिली कि विकास दुबे ने भागने की कोशिश की। पुलिस का दावा है कि एसटीएफ की गाड़ी बारिश की वजह से स्लिप हुई या फिर किसी चीज से टकराकर पलट गई। गाड़ी के पलटते ही विकास दुबे ने फौरन एक पुलिस अधिकारी की पिस्तौल लेकर भागने की कोशिश की। विकास दुबे ने दुर्घटना को एक मौके में बदलने की कोशिश की और अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में भी दोबारा बिकरू कांड दोहराने की कोशिश की। जिस जगह पर एक गाड़ी पलटी ठीक उसी जगह से निकलने वाली एक पगडंडी की तरफ से विकास दुबे भागा और करीब 100 मीटर दूर मौजूद एक पेड़ के नीचे विकास दुबे की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। पचौड़ी जी की पिस्टल जो है छीन करके भागने की कोशिश किया, उसी में मुठभेड़ हुई है और उसमें उसने फायर किया था पुलिस पार्टी में, जिसमें जवाबी फायरिंग में हमारे पिस्टल के जो हमारे जो एसटीएफ के कमांडो थे